एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बाजे सामुदायिक रेडियो वक्त की आवाज 91.2 FM में। सही पोषण देश रोशन के अभियान के तहत आज वक्त की आवाज के स्टूडियो में बहुत अच्छी वार्ता चल रही है और अपने सभी साथियों से चाहते हैं कि वो भी इस वार्ता में सहयोग अपना सहभागिता निभाएं और हमें फोन करें वक्त की आवाज के नंबर 7897-9696 पर। जी, हमारे कार्यक्रम में जब हम बात कर रहे हैं सही पोषण और देश रोशन, तो इसको समझने की कोशिश आप सबको करना है कि हमारे घर के अंदर जो भी है उसको हम किस तरह से बनाएं, कैसे पकाएं और कैसे खिलाएं। अगर आप इतना भी सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा है। बाकी आज हमारे बात करने के लिए हमारे साथ राकेश जी हैं, तो जरूर हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि थैंक यू मैम। सही पोषण देश रोशन एक कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के द्वारा सुपोषण स्वास्थ्य योजना चल रही है इस समय जी, जिसको हमारे प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सुपोषण स्वास्थ्य मेले के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे जनपद में कुल 223 ANM केंद्र हैं। उन ANM केंद्रों पर पहले भी हमारे यहाँ जो गर्भवती धात्री या बच्चे हैं उनके टीकाकरण की व्यवस्था पहले से चल रही थी जी, लेकिन जन समुदाय में जागरूकता उतना अधिक नहीं थी या लोगों को जानकारी का अभाव था। तो प्रदेश सरकार ने जो हमारे माह के प्रथम बुधवार को टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं उनको सुपोषण स्वास्थ्य मेले का नाम दिया गया है और उसके भव्य आयोजन के लिए सरकार के जैसे बताया कि हम बच्चों, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं, इनका अगर पोषण अच्छा होगा उसके लिए किस किस तरह से इंतजाम किए गए हैं उनको समझने की जरूरत है। अपने स्तर से देख लेंगे, लेकिन जो भी पूरे ग्राम सभा का एरिया है वो सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को स्पष्ट निर्देश है कि उनका एक सर्वे एरिया होता है। एक आंगनवाड़ी अगर 1000 की आबादी का सर्वे करती है, उस ग्राम सभा में अगर 3 आंगनवाड़ी केंद्र हैं तो तीनों को 1-1000 की आबादी या जो भी आती है, अगर आबादी आज की डेट तारीख में बढ़ गई है तो 1200 या जो भी है उसका पूरा सर्वे करेंगी और सर्वे में जो भी लाभार्थी हैं उनको पोषाहार दिया जाना अनिवार्य है। एक चीज और इसमें बता दें, आज के समय में स्पष्ट निर्देश है कि लाभार्थी वही होगा जिनका आधार लिंकेज होगा, अपना आधार बनवा लेना चाहिए जिससे कि पोषाहार उनका रुक न जाए। जो दिनों दिन सरकार का ये चाहना है कि जो हमारे यहाँ फेक रजिस्टर्ड हुए हैं पंजीकृत बच्चे हैं उनको निकालने के लिए आधार से लिंकेज बहुत जरूरी है। और जहां तक ये आपकी तिलियानी या मांडा में बता रही एक जगह आंगनवाड़ी बैठी है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन उनका सर्वे जो भी एरिया में होगा पूरे ग्राम सभा का, कोई भी आज की तारीख में ऐसा घर नहीं है जो हमारे सर्वे से छूटा हो। नहीं, सर्वे तो हो जाएगा कि... ये अभी हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, लेकिन जब हम बच्चियों को शिक्षा दे रहे हैं, उन्नत शिक्षा दे रहे हैं और उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि बड़ी हो और नौकरी करे, स्वावलंबी बने, तो धीरे धीरे चेंज आ रहा है। लेकिन मेरा भी यह प्रयास होगा कि अगर इस तरह के कहीं कार्यक्रम है तो किशोरियों को साथ साथ उनके पेरेंट्स माँ बाप को भी बुलाया जाए, उनको जागरूक किया जाए कि ये चाहे बेटी है चाहे बेटा है सब बराबर। आपके माध्यम से, वक्त की आवाज के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बेटा या बेटी में फर्क ना किया जाए। अगर ऐसी कोई बात है कि बेटी खाना कम खाए या बेटा ज्यादा खाए, ये आज के समय में अगर ऐसी किसी की सोच है तो ये देश के लिए एक विडंबना है। और व्यक्ति की आवाज को हम सब इसके लिए आभारी हैं और हमारे जितने भी श्रोता हैं अपने सवाल हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आज नहीं तो कल हम जरूर पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी आपको मौका मिलता है आप व्यक्ति की आवाज आइए। पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।